पहाड़ों के बीच खड़ी की गई जिस मस्जिद को अवैध करार दिया गया है, जिस विवादित इबादतगाह ने सर्द शिमला को उबाल दिया, जिसे गिराकर विवाद को समतल करने का ऐलान वहां की मस्जिद कमेटी कर चुकी है, जिस इबादत खाने को लेकर विवाद थम सा गया था, वहां खड़े होकर ओवैसी के लेफ्टिनेंट जब राख में शाब्दिक फूंक मारकर कथित तौर पर विवादों को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब पूछा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हिमाचल में आग लगाना चाहती है? क्या शोएब जमई ने जो किया उसमें ओवैसी की भी मर्जी है? क्या वोट के लिए ओवैसी के लेफ्टिनेंट विवाद बढ़ाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, सुनिए और समझिए कि ओवैसी के दूत संजोली के विवादित मस्जिद के अंदर खड़े होकर कैसे शाब्दिक आंच पर जज्बातों को उबालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आप देखिए, जितनी हाइट की एक भी मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है, क्या आप देख सकते हैं? उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। जिस विवादित मस्जिद में खड़े होकर शोएब जमाई ज्ञान बांच रहे हैं, दूसरी इमारतों से मस्जिद की तुलना कर कानूनी और गैर कानूनी का विश्लेषण कर रहे हैं, उस मस्जिद में जाने पर रोक है, वहाँ पहरा है, लेकिन वो वहाँ ऊपर पहुँच कर अदालत की कुंडी खटखटाने की बात कर रहे हैं। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा, तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे, इंशाल्लाह हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? ये सवाल पूछने की चीज़ हम पूछेंगे, हम और दिल्ली के बड़े वकीलों के साथ इंशाल्लाह हम एक पैनल बना के एक PIL के जरिए से हम काम करेंगे, कानूनी तरीके से काम करेंगे। मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिमला में मुसलमानों की तादाद कम है, सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा नहीं है, फिरका पसंद ताकतें आवाज उठा रही हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी इन्हें सपोर्ट करने की है। शिमला में रहने वाले जिन मुसलमानों का समर्थन करने के लिए ओवैसी के करीबी पहुंचकर भावनाओं को भड़का रहे हैं, वही उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनसे यही आग्रह करते कि भाई तुम हमारा संजोली का माहौल मत खराब करो, हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को तैयार है, और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनके लक्ष्य पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है? हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है, और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। उन्होंने जो काम किया है, उनको यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत, ये जो यहाँ का माहौल है, उनको यहाँ के इल्म नहीं है, पता नहीं है, मगर जो उन्होंने किया उसका हमें बहुत कहने के सख्ताई के साथ खंडन करते हैं। और हमें एक और बात अर्ज करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी इंटरफेयर ना करे। जिन मुसलमानों के लिए बुझी हुई राख में चिंगारी फूंक रहे हैं ओवैसी की पार्टी के नेता, वही उन्हें खारिज कर रहे हैं, विवादित मस्जिद में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी आक्रामक है, ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं की मंशा पर सवाल उठा रही है। पार्टी जो ओवैसी की पार्टी है, जो एक समुदाय की पार्टी, उस पक्ष को रखने वाली पार्टी जिसका कह सकते हैं हम, उनका एक प्रतिनिधि, उनका एक नेता शिमला आते हैं और उस मस्जिद जो बंद करके रखी है, सीज करके रखी है, उसके अंदर जाते हैं। कौन उनको लेकर के गया कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उससे सौहार्द जो है और भी ज़्यादा खराब हुआ है, और हम यही कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए, और जो लोग उनको लेकर के आए वहां पर पहुंचाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जरा समझिए कि शिमला की संजोली मस्जिद का पूरा विवाद क्या है, जिसे ओवैसी की पार्टी विस्तार के लिए बेकरार है। देवभूमि पर यह विवादित मस्जिद कुफरी के रास्ते में संजोली बाजार से नीचे की तरफ मौजूद है। मस्जिद बनने की शुरुआत 1960 में हुई थी, बाद में 4 मंजिल और जोड़ी गई। 5 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर प्लास्टर और कलर पेंट किया हुआ है, जबकि बाकी 4 फ्लोर पर प्लास्टर पेंट नहीं है। मस्जिद के अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला विधानसभा में उठा। 5 सितंबर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने संजोली मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ
शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के विरोध में इकट्ठा हुए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, दोनों में टकराव हुआ, फिर 11 सितंबर को भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, फिर 2 दिन बाद दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। तब ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा था कि हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की, हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद तोड़ने की मांग की है, संघियों के सम्मान में कांग्रेस ही मैदान में। हालांकि ओवैसी मारका इस सियासत से इतर शिमला की मस्जिद कमेटी खुद विवादित हिस्से पर हथौड़ा चलाने के लिए तैयार हो गई। तब ओवैसी की पार्टी के नेता वहां पहुंचकर विवादों को नया आकार दे रहे हैं, तो हिंदुवादी संगठन मस्जिद कमेटी की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है। कौन है सरकार का जमाई है कि शुएब जमाई है मुझे नहीं पता, परंतु ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के यहाँ से यूपी से या हैदराबाद से स्पेशल जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का माहौल जो सौहार्दपूर्ण था उसको बिगाड़ने का काम जो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास हम लोग आए, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमें कोई इस चीज का ज्ञात नहीं था कि वो कौन व्यक्ति था। जिस तरह से अचानक शिमला को सुलगाने की महीन कोशिश हुई है, इससे सियासत गर्म है। बीजेपी के नेता ओवैसी के साथ साथ हिमाचल की सत्ताधारी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं। अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिद का विषय हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आज के समय में विवादित बयान देकर भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, उस विषय में भी सरकार को गंभीरता से नोटिस लेने की जरूरत है। आक्रामक सिर्फ बीजेपी नहीं है, खुद का बचाव करते हुए कांग्रेस भी ओवैसी की पार्टी के नेता पर सवाल उठा रही है। हिमाचल में आए हैं और हिमाचल का राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैटर सब जूडेस है, ये मैटर कोर्ट में है, और इसके ऊपर इस तरीके से वहाँ पर जाके कोई वीडियो बनाना, वहाँ पर जाके उसको सेंसेशनलाइज करना, सनसनी बनाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ तक इसके अवैध होने की बात है वो मैटर कोर्ट में है, कोर्ट से निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसका जो है फैसला आने वाले समय में लेना है। कांग्रेस बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच सिर्फ पहाड़ पर सियासत नहीं उलझी है। ओवैसी के दूत सिर्फ हिमाचल में लोगों की भावनाएं नहीं उबाल रहे हैं, बल्कि मुंबई में भी कमोबेश यही कर रहे हैं। शिमला को शोएब जमाई सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुंबई बॉर्डर पर इम्तियाज जलील सैकड़ों समर्थकों के साथ उतरे थे। नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इम्तियाज जलील ने विशाल मार्च निकाला था, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। अब शिमला में शोएब जमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सरकार का दावा है कि देवभूमि पर शांति कायम रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा किया जाएगा, क्योंकि सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या ओवैसी के लेफ्टिनेंट शिमला को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।